हेलो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है मरहबा, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो मैं डिसाइड किया हूँ कि आज से मैं जो भी करूँगा पूरे दिन में मैं आपको बताऊँगा मैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि बहुत तेज़ धूप है, आप देख रहे हैं बहुत तेज़ धूप है, लिटरली बहुत ज़्यादा। बेसिकली गांव में लोग बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं और आज मैं भी सुबह 7 बजे उठ गया था और बहुत जल्दी आज मैं ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहा था, एक मैं बीरोल शूट कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा यार कुछ खाते हैं। तो घर पे तो अलाउ नहीं था कि बाहर से कुछ लाए खाना, लेकिन मैं बोला कि पहले लेकर आ जाते हैं, लेकर आ जाएंगे तो खा लेंगे, नहीं लाएंगे तो नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए इतनी धूप में हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। आप आगे के चलिए, देखिए क्या होता है और फिर हम चलते हैं। बहुत तेज धूप है लिटरली भाई। 6 समोसा कर देना और जो मीठी वाली है ना, हाँ वो, अरे वो क्या है वो, हाँ हाँ उस वो दो। सो गाइस फाइनली सीन्स ऐसा है कि हमें मिल गया जो चाहिए था। एक्चुअली सामने से उनका शॉप बंद रहता है जैसे कि आप देखे होंगे। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया था 3 दिन पहले, तो मैं वापस चला गया था, मुझे नहीं पता था कि साइड से खुलता। आज मैं जब देखा तो बंद था, फिर मैं आगे बढ़ा तो मैं देखा कि अरे साइड से तो खुला हुआ है। फिर मैंने उनसे पूछा भी तो वो बोले कि हाँ मैं उस दिन आपको आवाज़ दे रहा था, आप ध्यान नहीं दिए। मैं बोला चलो यार अब पता चल गया, तो अब अपन आते रहेंगे यहाँ पे। अभी हम पहले घर चलते हैं। इतने धूप में मार्केट जाना, समोसे लेके आने का जो मोरल ऑफ द स्टोरी जो था वो ये था कि हमारे पास है राधे मूवी, तो राधे मूवी देखना। बहुत ज़्यादा मीम बना उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा कि फिजिक्स की वाट लग गई है, फिजिक्स की धज्जियाँ उड़ा दिया हमारे सलमान भाई। तो मैं सोचा यार आखिर क्या उस मूवी में, हम भी देख लेते हैं। तो एक मेरा भाई है उमर, वो ला कर दिया था, बोला कि भैया एकदम HD क्वालिटी में है पूरा। हम बोले लाओ लैपटॉप है देखते हैं। तो हमारा समोसा यहाँ रेडी है, लैपटॉप ऑन है, अभी हम राधे मूवी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और हम फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। राधे मूवी देखने के बाद मैं सीधे सो गया था क्योंकि सुबह उसे उठा था और नींद बहुत तेज आ रही थी। और मूवी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ठीक है आपने मूवी बनाया, अच्छी बात है, आपके फैंस हैं, अच्छी बात है, वो देखेंगे ये मूवी भाई, क्यों नहीं देखेंगे। लेकिन यार अब इतना भी थोड़ा नहीं हो जाना चाहिए, भाई साहब को रॉड से मारता है हाथ पे लगातार और भाई साहब ऐसे ऐसे करके दम रोक लेते हैं। तो ठीक है कोई बात, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, फैंस वगैरह हैं उनके बहुत फिर। तो सीन ऐसा है कि अभी मैं सो के उठा हूँ और मैच स्टार्ट होने वाला है, प्लेयर्स आ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड की तरफ चलते हैं, फिर हम आपसे उधर मिलते हैं। गांव में क्रिकेट खेलने का सबसे बड़ी दिक्कत ये होता है, अगर किसी भी लड़के को खेलने को नहीं मिला तो भाई साहब वो उस समय तो कुछ नहीं बोलेगा, रात में आएगा घर से कुदाल लेके और सारा पीच कोड़ के चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें फिर से पीच आज बनानी पड़ी। क्रिकेट पिच बनाना भी एक आर्ट होता है जो हर किसी को नहीं आता। जैसे आप देख रहे हैं एक बंदा कुदाल लेके मिट्टी बराबर कर रहा है जहाँ मिट्टी ऊपर और नीचे है, और एक बंदा रिंग लिया हुआ है और वो रिंग से अप्स एंड डाउन जो होंगे, जैसे पहले कुदाल से काम कर लिए उसके बाद से रिंग से उसे बराबर करेंगे, उसके बाद जो पिच होगा हमारा एकदम प्लेन हो जाएगा और फिर जो बॉल आएगी एकदम तेज तेज सट्टी के एकदम लाइन और लेंथ पे आती है डायरेक्ट। आप फिलहाल पिच कैसे बन रहा है आप ये देख कर इंजॉय कीजिए और मजे कीजिए। ये लड़का आज तक कभी अपने घर की सफाई तक नहीं किया और आज देख लीजिए क्रिकेट का इतना दीवाना है कि आज पिच पे झाड़ू लगा रहा है, मतलब देख रहे हैं क्रिकेट इज एन इमोशन इन इंडिया। सो गाइस तो फाइनली आपने देखा कि क्रिकेट पिच बन के बिल्कुल रेडी हो गया था एकदम अच्छे से, उसको क्या बोलते हैं मतलब अच्छे से कुदाल से पिच बराबर हो गया था, हमने उस पर रिंग वगैरह भी मार दिए थे, अच्छे से सफाई भी कर दिए थे। लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं दिल्ली चला जाऊँगा,
और उस पिच पे मैं सिर्फ एक मैच खेला था, काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, और अचानक से दिल्ली आना पड़ा, तो आई रियली मिस अलॉट और मैं काफ़ी मिस करूँगा उस पिच को, क्योंकि यार मेहनत से बना था पिच है, लेकिन जो वहाँ पे है उसको अच्छे से खेलें, इंजॉय करें। अब नेक्स्ट टाइम जब हम गाँव जाएंगे तो अच्छे से खेलेंगे क्रिकेट, और उस समय हम आपको एक ब्लॉग शूट करके आपको जरूर दिखाएंगे। कल तक मैं बिहार में था और अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो ये सारा जो सीन क्रिएट हुआ ये अचानक से प्लान हुआ, मतलब आप रात भर में प्लान हुआ और सुबह मैं ट्रेन लिया और अभी मैं दिल्ली में आके बैठा हूँ, तो लेट्स एंजॉय सम मोमेंट्स। दिल्ली आने का कुछ खास रीज़न नहीं था, सीन यह था कि घर पे कुछ काम था और मानी भी यहाँ अकेली थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार काफ़ी टाइम हो गया है वहाँ भी, तो वहाँ जाना ज़रूरी है, तो और कोविड भी बढ़ रहा है और रिज़ल्ट वगैरह भी आने थे, तो मैंने सोचा कि चलते हैं अब फाइनली, तो बस टिकट लिए, ट्रेन पकड़े और हम पहुँच गए दिल्ली। लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली लेट्स सी जामिया मिलिया इस्लामिया, अपना दूसरा घर, मतलब देखकर इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ, लॉन्ग लिव जामिया। इसी वजह से इधर कोई दिन में नहीं आना चाहता, जो आता है मॉर्निंग में आता है, कोई उठाता ही नहीं इधर की, जो आता है मॉर्निंग में ही आता है, सुबह या रात का। लाइट कौन बंद किया, एक मिनट, कौन लाइट जलाया। सो मैं बस इतना बोलूँगा कि आज के ब्लॉग के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज ब्लॉग, मैं कोशिश करूँगा कि डेली ब्लॉग्स के थ्रू मैं कुछ ना कुछ आपके सामने लाऊँ और कुछ ना कुछ मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बाहर तो जाना खैर है ही नहीं, वो तो सोचना ही नहीं है, तो घर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे और कुछ हम एट्रैक्टिव और अलग हम आपको लाकर दिखाएंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज व्लॉग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और घर पर रहें, सेफ रहें, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।